Sagar Inn, luxury AC rooms, party hall and conference hall. स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लीजिए फैमिली एसी रेस्टोरेंट के साथ। आज हम सबके बहुत उपस्थित हम सबके नेता और एक ऐसा व्यक्तित्व जो परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाले सादी गंभीर जहर गरीब की चिंता किसान की चिंता रात में 1 बजे 2 बजे सोना और सुबह 6 बजे उठकर उत्तर प्रदेश की जनता के लिए क्या योजनाएं बनाना क्या काम करना ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जिनका व्यक्तित्व ईश्वर की अलग एक कृपा है सामान्य रूप से ऐसा व्यक्तित्व नहीं मिलता। ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आज हम लोगों के बीच में जब आ रहे हैं तो हमारे बुंदेलखंड के लिए एक इतनी बड़ी योजना लेकर आए हैं जिसको कभी हम लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। हम लोग सुनते थे कैन मित्रा के बारे में बरसों से योजना प्रस्तावित थी स्वर्गीय अटल जी का सपना था पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के समक्ष सारा स्थिति पूरी जानकारी और पूरा प्रयास और माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व कि आज हमारे बुंदेलखंड को कैन बेतवा जैसी नदी का योजना की सुनी और ये इतना बड़ा काम है कि इससे बुंदेलखंड का इतिहास बदल जाएगा। सबसे समृद्ध और संपन्न अगर कोई क्षेत्र होगा तो वो बुंदेलखंड होगा और जब इतनी बड़ी उपलब्धि हमें माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की तरफ से मिली है तो हम सबका कर्तव्य बनता है कि एक बार अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार तालियों से अभिनंदन करें स्वागत है सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ उससे बड़ी उपलब्धि हो नहीं सकती। आज के कार्यक्रम में हम सबके मध्य उपस्थित माननीय श्री गोपाल भार्गव जी हमारे माननीय मंत्री श्री गोविंद राजपूत जी सागर के सांसद श्री राज बहादुर सिंह जी हमारे पार्टी के जिले के अध्यक्ष श्री गौरव सरोजिया जी सागर नगर के विधायक श्री शैलेंद्र जैन जी नरियावली से विधायक आदरणीय प्रदीप लालिया जी मंच पर उपस्थित पार्टी के सभी सम्मानित वरिष्ठ नेतागण उपस्थित भाई और बहनों हम सब लोगों ने बुंदेलखंड में जिस तरह से बुंदेलखंड का कांग्रेस के समय में जो शोषण हुआ है जो अन्याय बुंदेलखंड के साथ हुआ है उस अन्याय और शोषण से बुंदेलखंड को निकालने का काम अगर मध्य प्रदेश में किसी ने किया है तो वो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी है जिन्होंने इस काम को किया। तो पूछना चाहता हूं बरसों मांग चलती थी सागर में मेडिकल कॉलेज बने परंतु कांग्रेस के राज में कभी सागर में मेडिकल कॉलेज नहीं बना। माननीय शिवराज जी जब मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बनने के 1 महीने के अंदर सागर को मेडिकल कॉलेज देने का काम माननीय मुख्यमंत्री हमारे सागर के अंदर सागर यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बने पूरे सागर की मांग थी उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए जो प्रयास मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से हो सकता था वो माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने करने का काम किया। हमारे बुंदेलखंड के अंदर अनेक सिंचाई योजनाएं स्वीकृत की
आज लगभग बुंदेलखंड का हमारा 70% हिस्सा सिंचित हो रहा है। बिजली की समस्या थी हमारे सामने, बुंदेलखंड के अंदर हमारा सारा शहर एक संभागीय मुख्यालय होने के बाद भी एक कस्बे के जैसे गांव के जैसे दिखता था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये तय किया कि देश में हम सोच स्मार्ट सिटी बनाएंगे तो मध्य प्रदेश में कौन कौन सी स्मार्ट सिटी बनेगी, ये निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी को करना था। और उसमें भी जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय किया तो सागर को स्मार्ट सिटी के रूप में चयनित करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी, लगभग 1000 करोड़ रुपए की राशि अलग से स्मार्ट सिटी मिशन के माध्यम से हमारे सागर के विकास में खर्च हो रही। अगर बीच में सवा साल का कांग्रेस का शासन हम छोड़ दें, सवा साल के शासन में जो दुरुपयोग स्मार्ट सिटी का कांग्रेस की सरकार ने किया वो सब भी हम लोग देख रहे हैं, उसके बाद स्मार्ट सिटी का एक एक पैसा सागर के विकास में लगे योजना बनाने का काम अगर किसी ने किया तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री जी पहले बीच में आए थे और उन्होंने सागर का विजन देख, हमारा सागर कैसा हो, उसका विजन कैसा हो, उसको लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की थी और एक प्रायोरिटी तय की। और उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया था कि सागर में हमारा चकरा घाट का जो एरिया है वहां लगभग 22 वार्ड आते हैं, उन 22 वार्ड के लिए कोई रास्ता नहीं था। उन 22 वार्ड के लिए अगर रास्ता हो सकता था तो वो सिर्फ एलिवेटेड कॉरिडोर के माध्यम से हो सकता। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने वो एलिवेटेड कॉरिडोर स्वीकृत करने का काम किया जो आज तेजी से बन रहा है, और बनने के बाद मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एलिवेटेड कॉरिडोर होगा तो वो हमारे सागर का एलिवेटेड कॉरिडोर। उसके सेकंड फेज के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है और स्मार्ट सिटी के माध्यम से शहरों के विकास के लिए और क्या क्या काम हो सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी सब शहरों में जाने वाले और जाकर जहां पर और जो जो काम हमें प्रायोरिटी हमारी है उस प्रायोरिटी के आधार पर हम लोग काम करेंगे, पैसे का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। और हमारे सागर में आज सागर के अंदर कई बार छोटे मोटे रोडों की बात आती है, बाकी चीजों की बातचीत आती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारे पास इतने सोर्स है, इतने साधन है कि ये सारा काम हम लोग कर सकते हैं। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, अगर अकेला हमारा सागर जो है इसको हम रिहैबिलिटेशन में ले लेंगे तो इससे अकेले हमें 400 से 500 करोड़ रुपए मिलेगा, जेल भी बन जाएगी और उस 400-500 करोड़ में सागर की एक सड़क नहीं बचेगी, एक बाईपास नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, सारा का सारा काम होगा। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है उस विजन के कारण आज मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे सागर को बुंदेलखंड को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम उनका आज स्मार्ट सिटी और अर्बन डेवलपमेंट के हमारे कार्यक्रमों में आए हैं, मैं विभाग का मंत्री होने के नाते उनका बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, धन्यवाद। सागर शहर के मध्य स्थित होटल सागर इन, लग्जरी एसी रूम्स, पार्टी हॉल एंड कॉन्फ्रेंस हॉल, स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लीजिए फैमिली एसी रेस्टोरेंट के साथ। पता है हनुमान मंदिर के पास, 5 सिविल लाइन सागर। हमारा नंबर है 9893406953।